जय हिंद। आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे विंडो बटन का कुछ ढांचा ट्रिक्स के बारे में, जो कि हम लोग जान करके आपको मैं समझाऊंगा। आप इसको फॉलो करके, इसको सीखने के बाद आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं कि हाँ, जो मैं इंसान हूँ, जो मैं पर्सन हूँ, आप लोग से अधिक जानता हूँ शॉर्टकट के बारे में, कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड जानता हूँ, विंडो का बटन का कमांड जानता हूँ, जो कि आप लोग से हम बेहतर कुछ ना कुछ कंप्यूटर में कर सकता हूँ। तो अगर आप ये सीख लेंगे तो आप आराम से जितना भी आपके सामने समक्ष लोग होंगे, ऑफिस हो गया या आपका कॉलेज हो गया, जहाँ भी आप क्लास करते हैं कंप्यूटर का, या मानिए सीखते हैं, या आप ऑफिस में वर्क करते हैं, तो आप लोग सभी के सामने आप कुछ ना कुछ अच्छा दिख पाइएगा, बन पाइएगा। चलिए हम लोग 5 स्टेप के माध्यम से समझते हैं, इस कमांड को आपको मैं सिखाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंडो का जो फर्स्ट हम लोग का कमांड है, जो कि कीबोर्ड कमांड है, उसको समझते हैं। इसके लिए फर्स्ट हमको फर्स्टली टाइप करना पड़ेगा विंडो, ऑल्ट के साथ आर प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो पॉपअप है ओपन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। जो फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट स्क्रीन है, यानी स्क्रीन शॉट है यहाँ से, और यहाँ पर दिख रहा है आपको रिकॉर्ड लास्ट 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड के बाद आपका रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बगल माइक वगैरह का सब ऑप्शन, और नीचे भी कुछ ऑप्शंस दिया गया है, यानी अगर हम लोग विंडो ऑल्ट आर प्रेस करेंगे तो हम लोग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ। जो नेक्स्ट कमांड है वो हम लोग का विंडो के साथ भी प्रेस करना है। विंडो के साथ भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्लिप बोर्ड का ग्रुप ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा ओपन आपके पास नहीं हो रहा आपके पीसी में, तो यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑन कर दीजिए। उसके बाद जो भी कॉपी करिएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जो कि हम लोग कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी आपको क्लिप बोर्ड में ग्रुप में आ जाएगा, यहाँ से भी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। अब जो हम लोग का विंडो का जो नेक्स्ट जो कमांड है उसको हम लोग समझते हैं। तो विंडो का जो नेक्स्ट कमांड है हम लोग का, विंडो के साथ ई प्रेस करना है, विंडो प्लस ई प्रेस करना है। अगर हम लोग अपने पीसी में विंडो के साथ ई प्रेस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, ये जो है हम लोग का फाइल एक्सप्लोरर का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यानी इसको दिस पीसी भी कहते हैं। यहाँ से हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग सेव करते हैं तो सब यहाँ पे आपको सब दिख जाता है, तो इसमें आकर के हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं, जो कि विंडो के साथ ई प्रेस करने पर ओपन होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि है विंडो कंट्रोल के साथ वो विंडो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो कि यहाँ से हम लोग, अगर आपके पीसी में कीबोर्ड अटैचमेंट नहीं है तो यहाँ से हम लोग इस पर टाइप कर सकते हैं और अपना वर्क को कर सकते हैं। इसका जो कमांड था एक बार रिपीट करते थे, इसका है विंडो कंट्रोल के साथ ओ। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कमांड। तो जो नेक्स्ट कमांड हम लोग का है, विंडो शिफ्ट के साथ एस प्रेस करना है, विंडो शिफ्ट के साथ एस प्रेस करना है। इससे क्या होता है, हम लोग का बेस्ट स्क्रीनशॉट ओपन हो जाता है। यहाँ से जितना हम लोग का चाहिए क्षेत्र, उसको हम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था हम लोग का जो फाइव बेस्ट, जो हम लोग का फाइव जो विंडो का कमांड था, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।